पति ने पत्नी की लकड़ी के बेड से की पिटाई। पत्नी का आरोप, पति ने की है दूसरी शादी। पत्नी ने कहा इंसाफ नहीं मिला तो बच्चों सहित करूंगी आत्महत्या। ब्रह्मा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पत्नी के साथ पति की मारपीट की घटना सामने आई है। मुंब्रा के माहडा B7 शिमला पार्क में रहने वाली संजीदा ने अपने पति अलाउद्दीन खान पर मारपीट का आरोप लगाया है और साथ ये भी आरोप लगाया है कि अलाउद्दीन किसी दूसरी महिला से शादी कर लिया है और उसे उनके बच्चों सहित छोड़ना चाहता है। पिछले महीने पत्नी संजीदा को लकड़ी के बेड से अलाउद्दीन ने मारा पीटा था, जिसमें संजीदा लहूलुहान हो गई थी। उस वक्त संजीदा ने अपने पति के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की थी। उस वक्त पति घर से दूसरी जो महिला से शादी की है उसके पास चला गया था, मगर अब संजीदा के घर का सारा सामान धीरे धीरे कर खाने पीने के सामानों के साथ घर के हर ज़रूरत की सामानों को अलाउद्दीन लेकर चला गया है। ऐसा संजीदा ने अपने पति पर आरोप लगाया है। संजीदा का कहना है कि घर में कुछ नहीं बचा है, अब वो बच्चों को क्या खिलाएगी। और वहीं संजीदा ने पुलिस में अपने पति अलाउद्दीन के खिलाफ शिकायत की है। संजीदा का ये भी कहना है कि पुलिस में शिकायत करके वो थक गई है, अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगी। पीड़ित संजीदा और उसके बेटे ने अपना दर्द बयां किया है, सुनिए। क्या नाम है आपका? संजीदा अलाउद्दीन खान। जिस तरह से आपका आरोप है आपके हस्बैंड के ऊपर, आपके द्वारा लगाया गया आरोप कि वो उन्होंने जो है 2-3 शादियां की हैं, जी हाँ, ये कहां तक ठीक है और क्या वजह थी जो आपको छोड़ करके चले गए? 2-3 शादियां हो गई ये बात तो सची है, ये मैं ही गवाह नहीं हूँ, यहाँ बिल्डिंग के लोग भी गवाह है। इस बात का आपको कब पता चला? ये बात का पता तो मेरे को मेरे बिल्डिंग से ही पता चला, क्योंकि वो जो औरतें आती थी वो बोलता था कि ये मेरी बहन है, वैसे तो मेरी कज़िन की वो ननद ही है लेकिन इसको भाई बोलती थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये दोनों ने शादियां की है। क्या ये अपना क्या क्या सामान लेकर के वो गए हैं और उन्होंने लास्ट टाइम आपसे किस तरह का व्यवहार किया था? लास्ट टाइम का क्या व्यवहार उनका, वो तो जब से शादी की उनका तब से चालू ही था, लेकिन मेरे 3 बच्चे थे और मैं खुद भी अभी इतना प्रॉब्लम में हूँ, मेरे बच्चों को देख के मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, हर चीज़ से उनका साथ दे रही थी। जब दूसरे भी औरतों को ला रहे थे तो आजू बाजू आस पड़ोस के लोग अब बोल रहे थे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मैंने चुपटी उनको हर चीज़ का साथ दी, लेकिन उन्होंने तो मुझे तो रोड पर लाया तो लाया, मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये सारी चीजों की जानकारी आपने मुंब्रा पुलिस को दी? मैंने कई बार NC की हूँ, मुंब्रा पुलिस चौकी में कई बार बोली हूँ कि ये बात ऐसी है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं ली, कोई बात मेरी सुनी ही नहीं है कभी। जब आप मुंब्रा चौकी गई हैं और मुंब्रा के अधिकारियों से आप मिली हैं, ऑफिसर से मिली, तो उन लोगों का क्या व्यवहार था आपके साथ और किस तरह का उन्होंने इसके ऊपर जो है केस दायर किया है, क्या क्या धाराएं लगाई हैं? मैं जब गई थी चौकी तो इतनी तो मेरी कोई सुनवाई तो कभी हुई नहीं है, सुनते थे हाँ के ANC हाँ ले हाँ जा, फैमिली मैटर है, यही बात होती थी। और मैंने उनको लगातार बोला है कि मुझे धमकी मिल रही है और ये जो है अपनी पहली औरत को ला के साथ में मैं मुझसे और अपनी जितनी गर्लफ्रेंड है और एक सना नाम की है उसको भी ले के इसने मेरे को धमकी दिया था घर के अंदर, वो शमीम पहली औरत के साथ में, पूरी बिल्डिंग भी इस बात की गवाह है। मैंने ये भी जाके NC की थी, फिर उसके बाद में उसने दूसरी औरत को लाके जो किया है और एक सबीना उसके साथ भी उसने मेरे को मारपीट किया, और वो औरत तो रात दिन शमीम जो नाम है उसका पहली, कितना मेरे साथ में गलत व्यवहार किए, मेरे बच्चों के खाने में थूकना, मेरे खाने में थूकना, गालियाँ देना, फिर भी मैंने चुप बैठी कि आज ना कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा हुआ ये मुझे धमकियाँ देने लगे कि काट दूंगा, नाली में डाल दूंगा, मार दूंगा, जब ये बोल रहे थे तो मैंने पुलिस में इसकी 2 बार NC की कि मुझे ऐसी धमकी दी जा रही है और मुझे मारा जा रहा है, उन्होंने नहीं सुना। लेकिन 22 मार्च को वो लोगों ने पहले घर में का पूरा सामान खाली किए और तीनों ने मिल के मुझे मारपीट की और भाग भी गए। अच्छा, क्या क्या सामान लेकर के गए हैं वो आपका? उस टाइम पर तो जो अनाज था वो जो घर में की चीज़ें थी
वो लेके गए थे, लेकिन अभी जब 3 महीना भाग गए, 3 महीने के बाद में वापस आए और मुझे पुलिस ने भी बोले कि नहीं अभी उसका भी घर है, वो रहेगा, क्वारंटाइन है, ये है, हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसे बोल के घर में उसको भेज दिए। तो मैंने वो भी मैंने हाँ बोली, लेकिन उसी रात उन्होंने जब मेरे साथ में गलत व्यवहार किया, फिर बच्चे वो डर रहे थे, इसके लिए मैं जाके पुलिस में कंप्लेंट की थी। तो पुलिस ने बोला कि नहीं, हम लोग नहीं देख सकते, 24 घंटे ड्यूटी नहीं देख सकते, तो आप गांव चले जाओ या फिर अपने रिलेशन के पास में चले जाओ। देखिए, मैं पुलिस से बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि आप आइए मेरी बिल्डिंग में, इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि वो अलाउद्दीन की सुन रहे हैं और मेरी तो अभी तक की सुने नहीं है कि मैं वहीं 7 साल से अपने आदमी के साथ हूँ। आदमी कहता है कि नहीं है, अभी घर घुसी है। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, बिल्डिंग के लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहे। और मैंने उनको पहले भी बोली हूँ कि अगर ऐसा होता मैं अपने बच्चों दोनों तीनों बच्चों के साथ में सुसाइड कर लूँगी, और मैं सच में अपने बच्चों को लेकर सुसाइड कर लूँगी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुत तकलीफ में हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं थक गई हूँ सब जगह भागते 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 इन हालातों में। बेटा, क्या कहना चाहोगे तुम अपने पापा के बारे में? मेरा बाप बहुत बुरा है, मेरे बाप ने मेरे माँ के साथ बहुत, क्या बोलूँ, मेरे बाप के बारे बहुत बुरे करा है, मेरे माँ के साथ बहुत मारा मेरे माँ को। क्या तुम रहना चाहोगे उनके साथ? नहीं, और मैं ये जो बोलना चाहता हूँ पुलिस वाले लोग को, उसको जेल में डाले, कुछ तो कर दो, मेरे माँ को हमेशा धमकी देता है वो, क्या करूँ मैं बताओ। पत्नी का आरोप है कि एक महिला से अलाउद्दीन ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए उसके साथ ये मारपीट की घटना हो रही है, मगर अब वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। वहीं इस पूरे मामले में संजीदा के पति से संपर्क नहीं हो पाया है। अगर संजीदा के पति अलाउद्दीन भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।